सर, क्या नाम है आपका और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम आनंद प्रकाश है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 25 अप्रैल 2019 मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था, यहाँ आकर अपॉइंटमेंट किया था। इन्होंने एक फाइनेंस कंपनी है, वो नोएडा सेक्टर 63 में स्थित है, A82। तो इन्होंने बोला कि आप अपने स्टेट चले जाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, वहाँ से लोन कर लो। कंपनी 1 लाख से 1 करोड़ तक लोन देती है और फाइल चार्ज नाम पर मुझे 3500 रुपये कंपनी के अकाउंट में जमा कराने थे। तो मैंने लगभग 177 फाइल लेकर, कस्टमर से लेकर जो आम जनता का पैसा है वो मैंने कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिए। मैंने सारे चीज़ डिटेल चेक किए, कंपनी का सब कुछ रजिस्ट्रेशन और सब कुछ सही था, तो मुझे लगा कंपनी सही है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने 12,500 रुपये फिर से मुझे मांग करने लगे। उससे मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस से सहायता लिया और कल ये इनको सील किया गया इनके ऑफिस को, और इनको गिरफ्तारियाँ भी, FIR भी हो चुका है। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और किस नाम से ये कंपनी संचालित थी और किस तरीके से आपसे काम करवाया जाता था पूरा? ये लगभग अभी तक 11 आदमी गिरफ्तारी हुई है, 5 इसमें प्रमुख हैं, बाकी सब एम्प्लॉई हैं। ये कंपनी फाइनेंस कंपनी थी जो लोन करती थी, तो मुझे कहा गया था कि आप लोन कीजिए, आपको 2% कमीशन और ये 25,500 सैलरी मिलेगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, अभी मतलब बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो सीतामढ़ी में है, मधुबनी में है, गोरखपुर बस्ती, ये लोग एजेंट का काम करते हैं। और लगभग कंपनी लाख करोड़ लोगों को चुना लगाती है, करोड़ रुपया का चुना लगाती है। लगभग आपने कितना पैसा जो है लोगों से लेकर कंपनी के अकाउंट में सबमिट कर दिया होगा? लगभग 6,20,000 के आसपास मैंने कंपनी के अकाउंट में सबमिट कर दिया है। और लोगों ने स्टाम्प पेपर भी खरीदे थे जिसकी कीमत लगभग 1,77,000 के आसपास आएगी। तो स्टाम्प पेपर तो मेरे पास है लेकिन मैंने 6,20,000 के आसपास कंपनी दे दिया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरी घटना ये हमारे साथ हुई कि जैसे कि मुझे 25 अप्रैल को मुझे और आनंद जी को मुझे सब BSC के पद दिया गया और मुझे भेजा और पूर्वी चंपारण आनंद जी को दिया कि आप अपने वहाँ जाइए, काम कीजिए और लोगों से लोन कीजिए, लोन कीजिएगा और आपकी सैलरी होगी। तकरीबन 50 दिनों तक काम करने के बावजूद जब हम लोग को सैलरी मिली और मैं एक भी लोन नहीं लौटा पाया। जब लोन नहीं कर पाए तो गांव में गांव वाले जिनका लोन हम लोगों ने सेंक्शन करने के लिए लोगों को एप्लीकेशन और पैसे दिए थे, उन लोगों ने हम लोगों पे दबाव बनाना शुरू किया कि आपकी लोन नहीं हो रही तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। और लोन करने के बदले में 3500 रुपया पर फाइल हम लोगों से ये लेते थे। और 3500 रुपया फाइल लेने के बाद जब एक कन्फर्मेशन लेटर मिले तो 10 दिन के बाद देते थे। कन्फर्मेशन लेटर के बाद वो कहते थे कि अब स्टाम्प पेपर उन लोग से खरीदवाओ, 50 रुपये के 8 एक बंदे, तो 50 रुपये के 8 एक बंदे से खरीदवाया जाए जिससे उनका भी यही पैसा खर्च हो गया। लोगों का वो लोग 3500 रुपया प्लस स्टाम्प खर्च हम लोग से मांग रहे हैं। और जब हम लोग कंपनी में बात किए तो वो काफ़ी दिनों तक 20 दिन तक तो हम लोग को बरगलाते रहे। वो कहे कि मैं अपने सीनियर से बात कर रही हूँ, सीनियर से बात करेंगे, मीटिंग हो रही है आपकी बात की, आप लोगों की लोन होगी। ये तकरीबन 20 या 25 दिन तक होता रहा। मैं अपने सीनियर से जो DSA पद पर प्राची शर्मा थी और एक अतुल थे DMA थे उनसे ही बात करता रहा। लेकिन शायद राजा नाम का कोई व्यक्ति है जो यहाँ मेरठ का रहने वाला है। और तो जब इन पर FIR हुई तो इनकी कंपनी को सील कर दीजिए, तकरीबन 8 बंदे को यहाँ पर लाया गया। देखिए, थाना Phase 3 क्षेत्र में एक कॉल सेंटर संचालित हो रहा था जो कि लोगों से ठगी करता था लोन दिलवाने के नाम पे। पिछले करीब 1 वर्ष से संचालित हो रहा था। इंस्पेक्टर Phase 3 की टीम ने इसे पकड़ा है। 9 इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी अभियुक्त इसमें फरार है। और इन लोगों ने स्लैब्स बनाए हुए थे डिफरेंट कि इतना अगर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो इतने पैसे देने होंगे, उससे ज़्यादा लेना है तो उतने पैसे देने होंगे। इस तरीके से डिफरेंट स्लैब्स बनाए हुए थे। 19 फोन करीब बरामद हुए हैं, 2 कार्स बरामद हुई हैं और बाकी भारी संख्या में इनके लेटर है, मोहरे वगैरह ये बरामद हुई हैं। कितने लोगों को टारगेट किया था, किस तरह से था? इन्होंने काफ़ी लोगों को अभी तक ये लोग टारगेट कर चुके थे, 1000 लोगों को करीब टारगेट किया होगा और कई लाख रुपए की ठगी लोग कर चुके थे। लोन किसी को स्वीकृत नहीं कराया गया था और 9 लोगों की इसमें गिरफ्तारी। कब से चल रही थी? करीब 1 वर्ष से चल रही थी।